हेलो एंड वेलकम गाइस। मुझे काफ़ी समय से रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की कि मैं कोई वीडियो एडिटिंग ऐप सजेस्ट करूं, तो आज का वीडियो आप ही लोगों के डिमांड पर है। अगर आपको भी कोई पर्टिकुलर ऐप का रिव्यू कराना है या पर्टिकुलर ऐप के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे शेयर भी कर दें। तो चलिए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस ऐप को अपने गूगल प्ले स्टोर में खोल रखा है, जिसका नाम है मोवावी क्लिप्स वीडियो एडिटर विद स्लाइड शोज। इस ऐप को आप सर्च बार में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं या फिर इस ऐप का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस, ये ऐप जो है वो 57 MB का ऐप है और इसकी 4.2 रेटिंग है 42K रिव्यूज़ के साथ, और इस ऐप के 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स भी हैं। अगर आप इस ऐप के बारे में थोड़ा और देखें तो ये इस ऐप में कोई भी एड्स नहीं है, यानी ये एड फ्री है, बट इसमें 65 रुपीज़ से लेकर के 2000 रुपीज़ पर आइटम तक की परचेजेस हैं। तो चलिए इस ऐप के बारे में देखते हैं और इस ऐप का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो इस ऐप को खोलते हैं। इस ऐप को खोलते ही गाइज आपको ये फर्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी और फिर ये आपसे ये वीडियो सेव करने के लिए परमिशन मांग सकता है, तो आपको ये अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद से आपको इसमें स्टोरेज परमिशन देनी होगी और इसमें ऑडियो परमिशन यानी माइक परमिशन भी देनी होगी। तो गाइस, अब ये आपका सेटअप हो चुका है। आपको अब यहाँ पे टैप करना है इस प्लस बटन पे एक वीडियो ऐड करने के लिए जिसका आप एडिटिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड पे टैप करते ही आपको दिखेगा कि एक वीडियो और फ़ोटो आप दोनों ऐड कर सकते हैं, तो फ़िलहाल हम वीडियो ऐड करते हैं। तो वीडियो ऐड करने के बाद से ये हल्का सा आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आप एक बार में कई वीडियोज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को ऐड कर लेते हैं और स्टार्ट एडिटिंग पे क्लिक करते हैं। तो गाइज, जैसे ही वीडियो ऐड होगी ये सेल्फ डिटेक्ट कर लेगा कि इस वीडियो का रेशियो क्या है, और अगर आप उस रेशियो के अलावा किसी दूसरे रेशियो में भी चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। कि जैसे कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं, 1:1, 9:16, 4:5 और 16:9 का। तो अगर आप YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप वाइड स्क्रीन रेशियो का यूज़ करें, यानी 16:9 का। और अगर आप Instagram के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप ऊपर में से दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे अपनी ओरिजिनल रेशियो में भी रख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये विंडो खुल के मिलेगी, जिसमें सबसे नीचे की तरफ आपको प्ले बटन, ऐड बटन और अंडू बटन मिलेगा। उसके ऊपर आपको वीडियो स्लाइड मिलेगी और उसके ऊपर आपको वीडियो एडिटिंग टूल बार मिलेगा। तो इस टूल बार को आप स्लाइड करेंगे तो देखेंगे आपको काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, जिसमें आपको सीज़र नीचे की तरफ दिख रही है, सीज़र में आप अगर टैप करेंगे तो वीडियो ट्रिम हो जाएगी। तो ये काफ़ी इजी और क्विक फंक्शन है वीडियो को ट्रिम करने का। आप वीडियो को जितने पार्ट्स में चाहें ट्रिम कर सकते हैं, और अगर आप कोई मिडिल पार्ट वीडियो का डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसे स्लाइड डाउन कर दें तो वो पार्ट डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं या फिर आप अंडू बटन दबा करके अपने एक्शंस को दोबारा ला सकते हैं। और ऊपर की तरफ आएँ तो गाइज, आपको पहला ऑप्शन ऑडियो का मिलेगा। ऑडियो पर टैप करते हैं। ऑडियो में आपको, आप चाहें तो अपने वीडियो में कोई अलग से ऑडियो या म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं। तो ये प्लस का बटन जो आपको दिख रहा है, आप इस पर टैप करेंगे। टैप करेंगे तो आपको म्यूज़िक लाइब्रेरी खुल जाएगी। तो गाइज, आप देखेंगे कि ये सारा म्यूज़िक जो आपके फ़ोन में होगा वो यहाँ पे पहली बात तो दिखाएगा, और उसके अलावा ऊपर आपको ये म्यूज़िक के इतने सारे जेनर्स मिलेंगे, आप इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस ऐप का खुद के म्यूज़िक्स इसमें हैं और ये सारे म्यूज़िक जो हैं वो कॉपीराइट फ्री हैं। आप इसमें से कोई सा भी म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो के लिए। तो पहले वो गाइज, मैं आपको ये बता दूँ, मैं ये प्रो वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ, और हो सकता है आपके पास प्रो वर्ज़न ना हो तो आपको कुछ एक्शंस में रिस्ट्रिक्शंस मिल सकती हैं। तो अगर आपको प्रो वर्ज़न चाहिए तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। तो इसमें से आप कोई भी म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हमें कोई म्यूज़िक ऐड नहीं करना है और सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है कि आपके अगर वीडियो की वॉल्यूम कम है तो आप उसे डबल कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आपकी वीडियो की वॉल्यूम कम आई है किसी वजह से, कुछ रिकॉर्ड करने की गलती से या माइक की प्रॉब्लम से, तो आप यहाँ पे उसे 200% पे स्लाइड कर दीजिए तो ये डबल हो जाएगी। और ऊपर आपको ऑप्शन फेड इन फेड आउट का भी मिल जाएगा, आप चाहें तो इसे ऑन भी कर सकते हैं, और आप इसे टिक कर दीजिए तो आपको वीडियो की जो ऑडियो है वो डबल हो जाएगी। अगला ऑप्शन है गाइज वॉइस ओवर का।
वॉइस ओवर में आप क्या कर सकते हैं कि अपने वीडियो के ऊपर खुद की वॉइस रिकॉर्ड करके आप डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी और वॉइस बाद में ऐड कर दीजिए खाली समय में, फुर्सत में। तो ये ऑप्शन भी मुझे काफ़ी सही लगा और इसमें भी आप वॉइस इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन जो है गाइज वो रोटेट का है, आप अपनी वीडियो को रोटेट कर सकते हैं और सारी साइड्स में ये रोटेट हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपको एक्सपेक्टेड रेशियो का मिलेगा जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको मिला था। तो अगर आप वीडियो के बीच में चेंजेस करना चाहें तो आप यहां से भी चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्रॉप का मिलेगा, तो क्रॉप में आप दबाएंगे गाइस तो ऐसे आप पिंच इन पिंच आउट करके वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको मूव का मिलेगा, मूव में क्या होगा गाइस आप अपने जो स्लाइड्स हैं या वीडियोज़ हैं उसको अप डाउन मूव ऐसे करके कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको इसमें ट्रांजिशन का मिलेगा, ट्रांजिशन की मदद से आप दो स्लाइड्स के बीच में या दो क्लिप्स के बीच में ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं जिसमें लेफ़्ट और राइट ट्रांजिशन शामिल है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा वो आपको स्पीड का मिलेगा, इसमें आप वीडियो की स्पीड सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। और जो अगला ऑप्शन है वो उसमें आप स्टिकर्स मिलेंगे आपको, जो इनका पूरा मार्केट है स्टिकर मार्केट, उसमें आपको काफ़ी सारे स्टिकर्स मिलेंगे जिसमें आपको कुछ फ्री भी मिलेंगे और कुछ आपको परचेज़ करने को बोलेगा। और जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लोगो का ऑप्शन। अगर आप कोई यूट्यूबर हैं तो आप अपने यूट्यूब वीडियो चैनल का लोगो इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप का कोई पेज है इंस्टाग्राम पे तो उसका भी लोगो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और जो अगला ऑप्शन है वो टेक्स्ट का है, इसमें आपको इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे, आप इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अगर आप कोई वीडियो के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं और इसकी टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें लिखूँ कुछ एनिमल तो ये मेरा टेक्स्ट है और इसकी टाइमिंग जो है वो मैं सेट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसे पूरे वीडियो में भी अप्लाई कर सकता हूँ या फिर पर्टिकुलर सेक्शन में भी अप्लाई कर सकता हूँ। और इस टेक्स्ट अगले ऑप्शन में टेक्स्ट के अंदर आप टेक्स्ट की पोजीशन को सेट कर सकते हैं, आप जिस पोजीशन में रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं और आप इसमें टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे और आप इसमें फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो ये इतने सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो जो अगला ऑप्शन आपको मिलता है वो फ़िल्टर का मिलता है, आप इसमें इस ऐप के अपने खुद के कुछ फ़िल्टर्स हैं तो आप चाहें तो इन फ़िल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो कुछ एडजस्टमेंट खुद से भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे फ़िल्टर में। अगला ऑप्शन आपको डुप्लीकेट का मिलेगा, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप किसी क्लिप को दोबारा से लाना चाहते हैं तो इसे बस आपको डुप्लीकेट पे टैप करना है और ये एक और क्लिप ऐड हो जाएगी। तो इसी क्लिप को अगर फिर से लाना है तो फिर से डुप्लीकेट पे टैप कर देना है और ये क्लिप ऐड हो जाएगी। और अगर आपको कोई अनवांटेड क्लिप डिलीट करनी है तो आप या तो उसे स्वाइप डाउन कर दीजिए या फिर आपको लास्ट ऑप्शन डिलीट का मिलेगा, आप उसे डिलीट बटन दबा दीजिए। तो इतने सारे ऑप्शंस आपको इस ऐप में मिलते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। और ऊपर कोने की तरफ आपको दो ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एक सेटिंग्स का जिसमें कुछ खास है नहीं आपको सेटिंग चेंजेस करने के लिए, और दूसरा आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। तो ये आप यहाँ पे सेव का बटन दबा करके आप इसे सेव कर सकते हैं। तो इसमें आपका ये वीडियो प्रिपेयर होगी, आप चाहें तो सेव करते टाइम अपने ऐप को मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं और वरना आप थोड़ा वेट कर लें तो आपकी वीडियो सेव हो जाएगी आपके गैलरी में, और वो भी बिना किसी लोगो या वाटरमार्क के। तो गाइज़ मेरे हिसाब से ये ऐप जो है वो वीडियो एडिट के लिए काफ़ी बेहतर ऐप है और मैं आपको इस ऐप को ज़रूर रिकमेंड करूँगा। और थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।